हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो 12 क्लास का टर्म 2 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट, ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे सिलेबस में फाइनल अकाउंट आने वाला है, वो भी बिना एडजस्टमेंट वाला, तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज आप इस वीडियो में देखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, आज आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा। तो स्किप नहीं करें, कोई भी वीडियो आप जब देखते हैं तो स्किप करके देखिएगा, तो किसी का भी वीडियो हो या क्लास हो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। हमको गारंटी है मेरा कि वो वीडियो ज़रूर आपको समझ में आएगा, ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, तो आप ये वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। और एक बात, हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, आप लोग के लिए नोट्स बना के लाते हैं टर्म टू के लिए, तो एक आप लोग के लिए भी फ़र्ज बनता है कि नहीं, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला समय में जितना भी वीडियो हो, जो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो, हम ज़रूर बनाएंगे, और उससे हम लोग को मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं, चलिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए बच्चों लोग, हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक बिजनेसमैन चाहता है कि वर्ष के अंत में हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, कितना का मेरा एसेट्स है, कितना का लाइबिलिटीज है जो देना है, वो जानना चाहता है, जिसके लिए उन लोग क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग का क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो चलिए देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस फर्म के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार। हिंदी में सुन लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का विवरण है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक प्रकार का विवरण है जो बिजनेस फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। ये क्यों तैयार किया था, कि इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट की, कुल प्रॉफिट कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, ये हम लोग को पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। कब बनाया जाता है, तो कोई स्पेसिफाइड पीरियड में बनाया जाता है, मतलब मान के चले कि वर्ष का अंत में बनाया जाता है, वर्ष का अंत 31 मार्च को ही जनरली अब बनाया जाता है। उसके बाद क्या, इट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, इसके बिना फाइनल अकाउंट का कल्पना करना अधूरा, मतलब ये पार्ट है, बिना इसके बिना हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बिना हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ, अगर कोई पूछ दिया आप लोग से ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो फाइनल अकाउंट जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें टोटल प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, कुल प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग के पास बात आती है इसमें लिखते क्या क्या हैं, ठीक है, इसमें लिखते क्या क्या हैं, तो ये चलिए देखिए, वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा से लिख दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, मतलब ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स और ओपनिंग और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का। उसके बाद टोटल परचेज, जितना गुड्स हम लोग खरीदते हैं वो इसमें लिखते हैं। टोटल सेल्स ऑफ गुड्स, जितना हम लोग सामान बेचते हैं, ठीक है, गुड्स बेचते हैं वो हम लोग इसमें लिखते हैं। और जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग 11 क्लास में पहले पढ़े थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब होता है जो हम लोग का प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या तो सामान बना रहे हैं उससे रिलेटेड हो, तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट। जो हम लोग जब सामान बनाते हैं तो उसका कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप लोग नहीं जानते क्या क्या होता है, तभी हम फॉर्मेट में आप लोग को बता रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, अभी आप लोग को फॉर्मेट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका फॉर्मेट किस प्रकार होता है, कि हम लोग बनाते हैं इसको कैसे हैं। तो चलिए देखिए, इधर बना के हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके रखे हैं, आप लोग को भी एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फर्म का नाम, ठीक है, ऊपर में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे फर्म का, एक्स वाई जेड कुछ भी, फॉर द ईयर एंडिंग, जब जिस मतलब डेट में बनाएंगे उस डेट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग का फॉर्मेट रहेगा डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चार टॉपिक जो है वो हमेशा आएगा, ठीक है, चार टॉपिक जो है वो हमेशा आएगा, जैसे क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, ये चार टॉपिक लगभग सब क्वेश्चन में रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक को इधर लिखें, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब इधर, जितना डायरेक्ट इनकम है सब इधर लिखाता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक परचेज रहेगा तो लिख देंगे, रिटर्न रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट परचेज का अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है, परचेज का अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर। रिटर्न, परचेज रिटर्न के बारे में भी बता देते हैं, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में होगा, याद रखिए, परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा, या तो रिटर्न आउटवार्ड लिखा हुआ रहेगा, अगर डेबिट क्रेडिट दिया है तो परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ होगा, डेबिट ये क्रेडिट में होगा, ठीक है। सेल्स में रिटर्न रहेगा तो माइनस कर देंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। अब इधर आ जाइए,
एक डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसे वेजेज हो गया, ठीक है, वेजेज जो फैक्ट्री में होता है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, उस खर्च को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम लोग का कॉस्ट में प्लस होता है, जैसे वेजेज, कैरिज भाड़ा, फ्रेट मतलब भी भाड़ा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन खर्च, कार्टेज मतलब भी भाड़ा, ऑक्ट्राय मतलब लोकल टैक्स, छोटा मोटा चुंगी इसका हिंदी होता है, गैस, फ्यूल, वाटर, ग्रीस, बहुत कुछ, जितना फैक्ट्री, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑल हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख दिए क्योंकि ज़्यादातर यही सब आता है, रॉयल्टी हो गया, ठीक है, मोटिव पावर हो गया, तो कुछ ऐसा खर्च जो हम लोग को देख के लगेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मेन आप लोग को पहले छोटा फॉर्मेट को याद रखना, उसके बाद हम लोग जिसमें क्वेश्चन बनाएंगे आएगा तो उसमें भी आप लोग को बताया जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पूरा इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद इधर जोड़ेंगे, अगर मान ली इधर ज़्यादा आया, इधर क्या आया, कम आया, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, या तो बहुत बुक में ऐसा भी लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग का मर्जी, या तो सीडी लिखिए या तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इधर रहेगा, ठीक है, अगर इधर कम होगा तो होगा बाय ग्रॉस लॉस सीडी, ठीक है, इधर रहेगा तो बाय ग्रॉस लॉस सीडी। तब आज का ये तो वीडियो समाप्त हो गया, अब इस पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी होगा 2-4 क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ रहिएगा और टर्म 2 का बहुत अच्छा से आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। सिर्फ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।